Hi guys, welcome to MB's Man Cave. और आज के विस्की वेंसडे में हम कर रहे हैं दो विस्कीज की ब्लाइंड टेस्टिंग एंड इट्स प्रॉब्ली द वेल सेकेंड मोस्ट रिक्वेस्टेड ब्लाइंड टेस्टिंग एवर ऑन दिस चैनल. मेरे ख्याल से 100 पाइपर्स वर्सेस ब्लैक डॉग के बाद जिस ब्लाइंड टेस्टिंग की सबसे ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आती हैं वो है रेड लेबल और वैलेंटाइंस. अब रेड लेबल की बॉटल मेरे पास नहीं पड़ी थी क्योंकि मेरे दोस्त सारे ले गए यार बॉटल्स लॉकडाउन के टाइम पर. बट फाइनली लास्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू वाइन शॉप एक बॉटल मैंने पिक करी स्पेशली फॉर दिस वीडियो और आज हम कर रहे हैं ब्लाइंड टेस्टिंग. सो रेड लेबल एंड वैलेंटाइंस आई वुड प्रॉब्ली से कि दोनों ही काफ़ी स्पेशल विस्कीज है. स्पेशल विस्कीज बिकॉज दे आर प्रॉब्ली द ओजी विस्कीज, यू नो, द क्लासिक ब्लेंडेड विस्कीज. अब तो इंडिया में बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं ब्लेंडेड स्कॉच विस्कीज के, लेकिन अगर मैं बात करूँ शायद 15-20 साल पहले या 25 साल या इवन उससे भी पहले, दीज टू विस्कीज हैव बीन देयर सिंस देन. और आई गेस दैट्स वाई टेस्ट के साथ साथ लोगों की यादें भी जुड़ी हैं. लोग देखते आए हैं अपने अपने से बड़ों को ये विस्कीज पीते हुए एंड I guess that definitely means a lot because it's not just the whiskey, it's the other aspects of drinking jisse hum jud jate hain. And I guess that's why you know Red Label and Valentine's are so special whiskies. Uske alawa kuch aur reasons bhi hain ki kyun ye special whiskies hain. Jaise maine bataya aaj ki date mein to bahut sari budget scotch whiskies aa chuki hain India mein, but these two whiskies are still bottled in Scotland. ज़्यादातर बजट जो ब्लेंड विस्कीज़ हैं जो आती हैं स्कॉटलैंड से, दे कम इन कंटेनर्स और उसके बाद इंडिया में आके उसे बॉटल किया जाता है. और उसकी वजह से कई लोग कहते हैं कि जो बॉटल्ड इन स्कॉटलैंड विस्कीज़ होती हैं दे आर बेटर, विच वी डिड टेस्ट जब हमने एक ब्लाइंड टेस्टिंग करी थी बॉटल्ड इन इंडिया टीचर्स एंड बॉटल्ड इन स्कॉटलैंड की, एंड देयर वॉज डेफिनेटली अ बिग डिफरेंस. लेकिन ये दोनों ही विस्कीज़ बॉटल्ड इन स्कॉटलैंड आती हैं, यानी कि इसमें मॉल्ट यीस्ट तो स्कॉटलैंड की यूज करी गई है लेकिन जो पानी है वो भी स्कॉटलैंड का ही है. एंड इट एक्चुअली डज मेक अ डिफरेंस बिकॉज दिस विस्की इज व्हाट एग्जैक्टली द डिस्टिलरी वांट्स यू टू टेस्ट. और प्राइस रेंज भी सिमिलर है दो विस्कीज का. रिसेंटली प्राइस कट हुआ था, नाउ यू कैन गेट दीज टू विस्कीज अराउंड 1400 फॉर द बॉटल इन दिल्ली. सो एक काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस है बॉटल इन स्कॉटलैंड विस्की. लेकिन लोगों में कन्फ्यूजन रहती है कि कौन सी विस्की खरीदी जाए, वैलेंटाइंस या फिर रेड लेबल. आज के वीडियो में हम उस परेशानी को दूर करेंगे. कौन सी बेटर है मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट मेजरली व्हाट वी विल डिस्कस इज कि क्या डिफरेंस है दोनों में, एंड देन डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू लाइक, आपको कैसा टेस्ट पसंद है, यू कैन गो फॉर व्हाट एवर यू प्रेफर. तो चलिए शुरू करते हैं ब्लाइंड टेस्टिंग. दोनों ही ग्लासेस में कौन सी विस्की है मुझे नहीं पता. आई एम नॉट गोइंग टू वेयर द ब्लाइंड फोल्ड क्योंकि दोनों का कलर प्रीटी मच सेम है, तो ब्लाइंड फोल्ड पहनने की ज़रूरत नहीं है मुझे. यहाँ बीच में मैंने नीट वॉट का पानी रखा हुआ है. चलिए शुरू करते हैं अपनी टेस्टिंग. पहले स्टार्ट करते हैं इस विस्की से. ओके, लेट्स टेस्ट इट. Nice graininess. There is a prominent smoke जो मुझे इस विस्की से आ रहा है. Yeah, nice sweet flavor. Grain का जो flavor है जो taste है वो काफ़ी ज़्यादा है, but you can feel some maltiness, you can feel some smokiness. There is a good nice bit of sweetness to it, there is a woodiness as well. Let's try this one, but पानी भी लेता हूँ पहले थोड़ा समय. Okay. Very different and very smooth. This डिंट फील लाइक कि इसमें बिल्कुल भी स्मोक है. बहुत ही स्मूथली अंदर चली गई है, ऐसा लगा ही नहीं कि कोई ऐसी विस्की है जो
जिसको हम बजट कैटेगरी में रखें, इट जस्ट वेंट डाउन एक्सट्रीमली स्मूथली. नो स्मोक, नाइस बिट ऑफ वुडीनेस, देर इज अ गुड बिट ऑफ फ्रूटी एस्पेक्ट टू दिस विस्की. अगेन जो ग्रेन का टेस्ट है वो थोड़ा हैवी है, आई थिंक एक्सपेक्टेड है, बट ओवरऑल अ नाइस बैलेंस्ड फ्लेवर, सटल स्मोक बिल्कुल नहीं है इस विस्की में. आई थिंक ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है दो विस्कीज में. जब मैंने ब्लैक लेबल और शिवस का ब्लाइंड टेस्ट किया था उसमें भी काफ़ी ईजी था आइडेंटिफाई करना, क्योंकि एक विस्की में स्मोक है एक में नहीं है, एंड आई थिंक इट्स प्रीटी सिमिलर इन दिस एज वेल. बट लेट मी टेल यू, लेट मी टेस्ट इट वंस अगेन एंड शेयर अगर कोई और फाइंडिंग्स भी हैं तो. बट एक बार पानी पी लेता हूँ मैं. या सो आई थिंक दिस इज रेड लेबल. या दिस इज डेफिनेटली रेड लेबल, बिकॉज जो रेड लेबल और ब्लैक लेबल में जो एक स्मोक एलिमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर है. जिसने ब्लैक लेबल पिया उसे पता है कि ब्लैक लेबल का टेस्ट कैसा होता है. सेम विद रेड लेबल, एंड आई थिंक रेड लेबल को थोड़ी सी लोग, आई थिंक इतनी रेपुटेशन थोड़ी ख़राब हो गई है बिकॉज इट हैज़ द जॉनी वॉकर नेम अटैच्ड. बट अगर आई थिंक स्टैंड अलोन इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन इन दैट प्राइस रेंज. आप उसे उसके ऊपर की विस्की से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली इट विल नॉट स्टैंड. बट आई थिंक अगर बात करी जाए विस्कीज अंडर 2000, आई डेफिनेटली थिंक दैट इट विल बी इन टॉप 10. एंड सेम फॉर वैलेंटाइन्स. सो आई थिंक डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू लाइक, अगर आपको स्मूथ विस्कीज पसंद हैं, विस्कीज दैट आर ईजी टू ड्रिंक, वेरी फ्रेंडली, गिव्स यू अ रिलैक्सिंग टाइम, then you definitely, I think you should go for Ballantine's. Ballantine's will give you a better time. अगर आपको थोड़ी strong flavored whiskies पसंद हैं, if you like a bit of smoke to your whiskey, then you go with Red Label. I personally feel that these two whiskies will go very nice in cocktails. I think Red Label थोड़ी better taste करती है cocktails के साथ, because it adds that smoky element. उससे जो cocktails हैं एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती हैं, एंड इट्स अ वेरी गुड विस्की फॉर फॉर कॉकटेल्स. वैलेंटाइन्स आई थिंक एक ऐसी विस्की है जिसे आप इजीली पानी के साथ पी सकते हैं, सोडा के साथ पी सकते हैं, इवन ऑन द रॉक्स इट विल टेस्ट वेरी गुड. लेट मी जस्ट चेक, मैं बोलता रहूं कि हो सकता है कि कोई और हो. नो, दिस इज रेड लेबल एंड दैट मीन्स दिस इज वैलेंटाइन्स. It was not that difficult to guess. Again, अगर आपने पी हुई है रेड लेबल, इट यू विल डेफिनेटली बी एबल टू फिगर आउट डिफरेंस. अगर आप साइड बाई साइड कंपेयर भी करेंगे दोनों को, बहुत आसानी से फर्क पता लग जाएगा. If I am given a choice, मैं दोनों में से कौन सी सिलेक्ट करूँगा, काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे से दोनों ही विस्कीज़ परफेक्ट नहीं है, बट दोनों ही विस्कीज़ अपनी जगह पर काफ़ी अच्छी हैं. शायद मेरा थोड़ा बायस रहता है बिकॉज आई प्रेफर बिट ऑफ स्मोक इन माई विस्कीज मोस्ट ऑफ द टाइम्स. अपार्ट फ्रॉम आई थिंक मंकी शोल्डर, मुझे ज़्यादातर स्मोकी विस्कीज पसंद है, एंड जिम बीम. बट इफ आई एम गिवन अ चॉइस, आई विल गो फॉर रेड लेबल बिकॉज इट गोज वेरी नाइसली ऑन द रॉक्स. इफ आई हैव गिवन एन ऑप्शन, आई विल गो फॉर दिस. Doesn't mean कि Ballantine's एक बुरी विस्की है, Ballantine's भी बहुत अच्छी विस्की है अपने आप में. And if you enjoy the smooth, free-flowing whiskies, then you should select Ballantine's. So दोस्तों, ये थी हमारी आज की ब्लाइंड टेस्टिंग रेड लेबल एंड Ballantine's की. कैसी लगी आप लोगों को? आपकी क्या चॉइस है रेड लेबल और Ballantine's में से, मुझे बताइए, बिकॉज आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो कि आप लोगों को क्या पसंद है. लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब भी करिए. मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए पियो पैच पियो.